दोस्तों आज की वीडियो में मैं पांच कमाल के वीडियो टिप्स देने वाली हूँ अपने वैटी फैमिली के मेल सदस्यों को। जी हाँ, हमेशा आप लोग की शिकायत रहती है, आप जो मेल सदस्य हैं वो हमेशा मुझे कमेंट करते रहते हैं आगे कि श्रुति आप हमारे लिए कोई भी वीडियो क्यों नहीं शेयर करती। बट आपको बता दूं, जो मैं हेल्थ के वीडियो लाती हूँ, जो मैं ब्यूटी की वीडियो लाती हूँ, वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही होते हैं। बट आज का जो वीडियो है स्पेशली आपके लिए, आपके रिक्वेस्ट पे है। आज मैं आपको पाँच ऐसे कमाल के ब्यूटी टिप्स दूंगी जो आपके पैसे को बचाएगा, आपकी जो टैनिंग की प्रॉब्लम है, फेस का कालापन है उसे दूर करेगा, आपके रंग को निखारेगा, आपकी स्किन रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को दूर करेगा। दोस्तों लड़कों की स्किन लड़कियों की स्किन से थोड़ी सी चेंज होती है, इसलिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट लड़कों के लिए भी मिलते हैं, उनकी स्किन टेक्चर के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट थोड़े महंगे होते हैं। आप चाहो तो घर में भी कुछ ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जिससे आप अपनी स्किन को निखार सकते हो, स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन्हें दूर कर सकते हो। तो घर की चीजों से आप कैसे अपने स्किन को निखार सकते हो, स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो, ये मैं बताने वाली हूँ। तो पांच कमाल की टिप्स हैं, पांचों टिप्स जरूर फॉलो करना। तो आज का वीडियो ना बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए पूरा देखना, एंड तक देखना। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। और पहली बार चैनल पर आया हो तो आपको क्या करना है, नीचे जो रेड का बटन है उसे सब्सक्राइब कर लो, एंड बगल में लगी घंटी बजा दो, उसे भी इतना सा काम करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं ये जो टिप्स है आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू करती हूँ। तो नंबर वन जो टिप्स है वो आपके टैनिंग के लिए, टैनिंग यानी चेहरे का कालापन। एक्चुअली क्या होता है, लड़कियां घर के बाहर जाती हैं पर लड़के उससे ज्यादा घर के बाहर जाते हैं, ये सच्चाई है। घर के बाहर ज्यादा रहने की वजह से उन्हें टैनिंग की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, यानी उनके चेहरे पर एक कालापन चढ़ जाता है, एक कालेपन की लेयर चढ़ जाती है, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि बचपन में जो हमारी स्किन का कलर होता है बड़े होते होते ना, वो थोड़ा सा डल हो जाता है। तो आप कैसे अपने टैनिंग की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है आपके लिए। आपको क्या करना है, घर में आपको मिल जाएगा आलू यानी पटैटो। आप चाहो तो आलू का रस निकाल कर रुई से यानी कॉटन से अपने फेस पे 15 मिनट के लिए अप्लाई कर दें, उसके बाद ठंडे पानी से धुल दें, ये एक तरीका है। नहीं तो आप ये ना कर पाओ क्योंकि उसको घिसना पड़ेगा, फिर रस निकालना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं होता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आलू को पतला पतला काट लो और उसके बाद जो स्लाइस होगी उसको रफ करो, ठीक है, रफ करो। और 5 मिनट रफ करोगे ना तो उसका रस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हल्का सा पानी की छींटे करिए, फिर उसको रफ करिए। ऐसा आप 10 से 15 मिनट करोगे ना, उसके बाद पानी से वॉश कर लोगे तो आपकी टैनिंग की प्रॉब्लम धीरे धीरे चली जाएगी। कम से कम आपको 1 वीक तो ये करना ही है, 1 वीक में आपको बहुत ही अच्छा फर्क नजर आएगा। तो इसे जरूर फॉलो करो क्योंकि टैनिंग की प्रॉब्लम ही आपकी मेन होती है स्किन के कलर को डार्क करने के लिए। तो सेकंड नंबर की टिप्स है ना, वो है आपके रंग को निखारने के लिए। दोस्तों बहुत ही सरल टिप्स दे रही हूँ आपको। चावल काटना जानते हैं, राइस फ्लोर आपको लेना है, राइस फ्लोर उसमें डालना है थोड़ा सा कच्चा दूध। आपको क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है और डेली अपने फेस पे अप्लाई करना है। उसके बाद जब वो फेस पैक सूख जाए तो आपको ठंडे पानी से धुल लेना है। अगर आप डेली इसे करोगे ना तो आपकी जो आपका जो कलर होगा वो निखरेगा, आप देखेंगे आपकी स्किन पहले से ज़्यादा फेयर हो जाएगी। तो ये वाली टिप्स भी जरूर ट्राई करना। मैं जो भी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ उसको ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद अपना अनुभव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड कोई भी सवाल और भी है जो मुझसे छूट जाए इस वीडियो में, उसको भी लेकर कमेंट्स बॉक्स में अपना जो भी सवाल है मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो दो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की, आलू वाली एंड चावल वाली। तीसरी जो टिप्स है वो है आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम, जो दाने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। क्या है ना, बारिश का मौसम भी शुरू हो गया तो फेस में ना छोटे छोटे दाने भी आ जाएंगे, और पिंपल्स की बहुत सारे लड़कों के फेस में बहुत सारे पिंपल्स होते हैं। तो पिंपल्स को दूर करने के लिए बहुत ही सिंपल आपको बता रही हूँ, हल्दी। जी हाँ, सभी के घर में हल्दी उपलब्ध रहती है, टर्मरिक उपलब्ध रहती है। आपको हल्दी लेना है और थोड़ा सा एलोवेरा लेना है। आप चाहो तो प्लांट का एलोवेरा ले सकते हो, जेल ले सकते हो, या फिर आप मार्केट का भी जो एलोवेरा जेल आते हैं आता है उसको भी यूज कर सकते हो। आपको थोड़ा सा 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है, उसमें आपको 2 से 3 चुटकी आपको हल्दी मिला देना है। इस फेस पैक को आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है 15 से 20 मिनट के लिए, उसके बाद ठंडे पानी से धुल लेना है। तो इससे क्या होगा, जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। एंड ये हो गया नंबर टिप्स, ये हो गया टिप्स नंबर 3। अब बारी है टिप्स नंबर 4 की। दोस्तों कुछ लोगों के चेहरे पे बहुत सारे गड्ढे होते हैं, गड्ढे यानी चेचक के दाग हो सकते हैं, पिंपल्स के दाग हो सकते हैं, या दाग धब्बे हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल बता रही हूँ, सभी फॉलो कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को लेना है बेसन। जी हाँ, चने का जो फ्लोर होता है ना, आटा होता है जो, हाँ वही बेसन। आपको बेसन लेना है, बेसन में आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है और थोड़ा सा दही डाल देना है, मिक्स करना है और उसे अपने फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके 5 मिनट सूखने के बाद हल्का सा उसे
स्क्रब करना है। इससे क्या होगा, आपकी डेड स्किन निकल जाएगी। आप डेली इसे 15 दिन करोगे ना, तो मैं बता रही हूँ आपके जो चेचक के दाग भी होंगे ना वो भी दूर हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की टिप्स है, इसे जरूर फॉलो करना। और बहुत ही सिंपल सा बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसे फॉलो करेगा। तो 5वीं टिप्स है, बड़ी ध्यान से सुनना। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हो कि जो शेविंग है दाढ़ी के बाल उसे कैसे बढ़ाएं। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी शेविंग के जो बाल होते हैं बहुत ही कम निकलते हैं मूछे और दाढ़ी का, और आजकल काफ़ी फैशन चला हुआ है। बट ये तो मैं ट्राई नहीं करती हूँ, मैं पहले से बता दूँ, मैंने नेट से पढ़ा है, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको बता दूँ शेविंग के बालों को कैसे बढ़ाना है। अगर आप वीक में 3 से 4 बार शेविंग करते हो, यानी जल्दी जल्दी करते हो, तो आपके जो बाल होते हैं वो काफ़ी अच्छे ग्रोथ में आ जाते हैं। एंड अगर आप उल्टी शेव करते हो उससे भी आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इसे अगर जिनके भी दाढ़ी कम है मूछे कम है तो उसे ज़रूर ट्राई करना है। एंड लगता है चेहरे के भी कम है, वो फीमेल है, कोई बात नहीं। चलो आपको एक और टिप्स दे सकती हूँ, ये भी मैंने पढ़ा है कि आप दालचीनी में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर शेविंग करने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करते हो 15 से 20 मिनट के बाद, उसके ठंडे पानी से धुल लेते हो उसके बाद, तो उससे भी आपकी जो ग्रोथ होती है शेविंग की वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसे ज़रूर फॉलो करना, उसका रिजल्ट क्या रहा मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैंने तो कभी शेविंग की ही नहीं। तो आई होप ये जो आज का वीडियो है आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, मैं किस टॉपिक पे जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूं, मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करना। एंड पहली बार चैनल पर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मुझे आज्ञा दीजिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड जय हिंद जय भारत, बाय बाय।